नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन सर गंगा राम हॉस्पिटल नई दिल्ली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आपसे मैं आज सिरोसिस के मरीजों में लाइफस्टाइल चेंजेस क्या होने चाहिए इसके बारे में बात करूँगा। ये एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सिरोसिस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बीमारी है, ये एक गंभीर बीमारी है जिसके बारे में डिटेल में मेरा एक अन्य वीडियो है जो आप देख सकते हैं। जब भी आपको लिवर सिरोसिस होता है तो आपकी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, आपको क्या खाना चाहिए, क्या आप अपनी डे टू डे फिजिकल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। लिवर सिरोसिस में दो स्टेजेस होते हैं, एक होती है कॉम्पनसेटेड सिरोसिस और दूसरी होती है डी कॉम्पनसेटेड सिरोसिस। कॉम्पनसेटेड सिरोसिस आमतौर पे जब आप किसी भी टेस्ट के लिए जा रहे हों उस वक्त लिवर में कुछ खराबी नज़र आती है या रूटीन टेस्ट में जब कुछ खराबी नज़र आए तो आप फर्दर टेस्ट करें जैसे फाइब्रोस्कैन, सीटी स्कैन, तो लिवर में कमज़ोरी नज़र आती है। ये यूजुअली डायबिटिक्स में जो लोग मोटे होते हैं, जो लोग एक्सेसिव अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, इनमें देखी जाती है, या किसी को हेपेटाइटिस बी हो, सी हो, इनके टेस्ट्स में कई बार देखा जाता है कि लंबे समय से लिवर में कुछ डैमेज चलने से कमज़ोरी आ रही है। तो इन लोगों को आगे के लिए क्या करना चाहिए। दूसरी स्टेज होती है कि जब डीकॉम्पनसेटेड सिरोसिस यानी कि लिवर का काम करना कमज़ोर पड़ चुका हो जिसकी वजह से पेट में पानी भर गया, जिसको असाइटिस कहते हैं, हिमाटेमेसिस यानी कि खून की उल्टी आना, वॉमिटिंग में जब ब्लड आ रहा हो, इसको हिमाटेमेसिस कहते हैं, बेहोशी की हालत, हिपैटिक एनसेफ्लोपैथी, और जॉन्डिस यानी कि आंखों में पीलापन। और डी कॉम्पनसेटेड सिरोसिस या कॉम्पनसेटेड सिरोसिस दोनों में लिवर में ट्यूमर्स हो सकते हैं। तो ये मोटे तौर पे लिवर डिजीजेस के कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो हम लिवर सिरोसिस जब हो तो हम आगे क्या अपनी डे टू डे लाइफ में डाइट में चेंजेस करने की ज़रूरत है। पहली चीज़ है डाइट। डाइट में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है इसमें कि लिवर सिरोसिस में अगर अल्कोहल को हम देखें, अल्कोहल डाइट का हिस्सा नहीं है बट लाइफस्टाइल का हिस्सा है। अल्कोहल किसी भी कारण से अगर हमारे लिवर में कमज़ोरी हो, लिवर सिरोसिस के किसी भी मरीज के लिए अल्कोहल इनटेक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जीरो अल्कोहल इनटेक बिल्कुल कट डाउन करने की ज़रूरत है। दूसरी होती है कैलोरीज की इनटेक। कैलोरीज की इनटेक यूजुअली देखिए लिवर सिरोसिस के सबसे प्रमुख कारणों में अभी नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस, जिसका नाम अब मेटाबॉलिक एसोसिएटेड स्टीटोहेपेटाइटिस कर दिया गया है, ये मैश हो गया, ये एक नॉमेनक्लेचर का चेंज है बट मोटापे से होने वाली, डायबिटीज़ से होने वाली। तो ऐसे मरीजों के लिए उनका वेट कम करना बहुत ज़रूरी है। वेट कम करने के लिए कैलोरी का रिस्ट्रिक्शन ज़रूरी है। अदरवाइज नॉर्मल जो सिरोसिस के मरीज़ मोटे ना हों उनके लिए कैलोरीज का इंटेक बहुत ज़रूरी है। 30 टू 35 किलो कैलोरी पर डे, यानी आपका वेट 60 किलो है तो कम से कम 2000 किलो कैलोरी की डाइट आप लें। प्रोटीन को खाने में बढ़ाना है। प्रोटीन की मात्रा 1 से 1.5 ग्राम प्रोटीन पर किलोग्राम पर डे के हिसाब से खाना है। यदि आप वेजिटेरियन हैं तो इसमें आपको, बहुत से लोग हमारे देश में वेजिटेरियन होते हैं, तो इसमें दालें, पनीर, सोयाबीन, चने, राजमा, इसको आप डिफरेंट फॉर्म्स में टोफू इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो एग, फिश, चिकन, ये सब की मात्रा बढ़ानी है। बहुत सारे लोगों में, परिवार में ये गलत धारणा होती है कि अगर सिरोसिस है तो ये सब चीज़ें नहीं खानी हैं। सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। लिवर में प्रोटीन सिंथेसिस होती है। लिवर में जब कमज़ोरी होती है, प्रोटीन सिंथेसिस कमज़ोर होता है, तो प्रोटीन आपको चाहिए। प्रोटीन अगर घटेगा ब्लड में तो फिर पेट में पानी भरना और ये कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। प्लस आपकी मांसपेशियां मजबूत होनी चाहिए ताकि मांसपेशियों में ये कैपेसिटी होती है कि वो लिवर का कुछ फंक्शन अडॉप्ट कर सके, ताकि आपके लिवर का फंक्शन मेंटेन्ड रहे। तो आपको प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना है। घी और फैट की मात्रा खाने में थोड़ी कम रखनी है लेकिन बंद नहीं करनी है। प्रोटीन, घी जो होता है, ये फैट खाने में एनर्जी का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। तो ये खाने की रिस्ट्रिक्शंस हैं। जब तक आपके पेट में पानी ना भरा हो यानी कि डीकॉम्पनसेटेड असाइटिस ना हो तब तक आप पानी नॉर्मल मात्रा में ले सकते हैं। एक्सरसाइज करना, फिजिकल एक्टिविटी, अगर जैसा मैंने बताया नैश रिलेटेड फैटी लिवर डिजीज सिरोसिस में ये बहुत ही ज़रूरी है। वेट को कम करना ताकि लिवर आगे और कमज़ोर ना पड़े। आप जितना वेट कम करेंगे, ये ऐसा देखा गया है कि अगर आप अपना 10% वेट कम करते हैं तो लिवर से फाइब्रोसिस की मात्रा कम होती है, यानी कि लिवर सिरोसिस के ठीक होने की भी संभावना होती है। तो इस चीज़ को बहुत सीरियसली लेना है। वेट कम करने के लिए डाइट और एक्सरसाइज के अलावा कई सारी दवाइयाँ भी हैं, पर एडवांस लिवर डिजीज़ में कई बार इनका यूज़ करना सेफ़ नहीं होता है। अगर इसका इस्तेमाल करना है तो डॉक्टर की देखभाल में करना चाहिए। दूसरी चीज़, फिजिकल एक्सरसाइज के अलावा आप अपनी डे टू डे रूटीन में क्या कर सकते हैं। क्या आप गाड़ी चला सकते हैं, क्या आप अपने काम पे रेगुलरली जा सकते हैं? इसका जवाब है कि अगर आप कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए। गाड़ी चलाने के संबंध में, ड्राइविंग के संबंध में जो रिकमेंडेशन है उसके बारे में थोड़ी भिन्नता है। बहुत से लोग जो पहले बेहोशी की हालत में रहते हैं, जिसको हिपैटिक एनसेफ्लोपैथी कहते हैं, उनको मैं एडवाइस करता हूँ कि वो गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि ब्रेन का रिएक्शन स्लो होता है और एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। तो जहाँ तक हो सके ड्राइव नहीं करें। अगर आपको ये चीज़ें पहले कभी नहीं हुई हैं तो आप ड्राइविंग कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो काम है उसमें क्या चीज़ इन्वॉल्व है, अगर आप बैंक में काम करते हैं, करेंसी गिनना, बड़ी सारी चीज़ें ऑटोमेटेड होती है। अगर आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, आप कोई ऐसी मशीनरी ऑपरेट करते हैं जिससे ये हो सकता है नुकसान हो सकता है आपको या किसी और को, तो इन सब चीज़ों में फिर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और पुरानी हिपैटिक एनसेफ्लोपैथी हुई है या नहीं हुई है इसके अनुसार देखना चाहिए। इसके अलावा अपने लाइफस्टाइल में बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम डे टू डे जो दवाइयाँ लेते हैं, जो कई बार हम बिना नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन होती हैं, जैसे पेन किलर्स होती हैं, वो लिवर सिरोसिस में अवॉइड करनी चाहिए। सेडेटिव्स जैसे नींद की दवाइयाँ होती है, अगर आपको नींद ना आ रही हो, आप चाहें कि हम नींद की दवा लें, वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नींद की दवा लेना एक बहुत ही लिवर डिजीज़ में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, यानी कि वो नहीं देना चाहिए। इससे बेहोशी की हालत आ सकती है और बढ़ सकती है, तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान देना है। कॉम्प्लीमेंट्री एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का इंटेक, बहुत से लोग ये समझते हैं कि अगर हम किसी और ऑल्टरनेटिव दवाइयाँ, आयुर्वेदिक, यूनानी मेडिसिन, चाइनीज़ पद्धति मेडिसिन की, टिबेटन पद्धति, ये सारी दवाइयों में लिवर में काफ़ी डैमेज करने की कैपेसिटी होती है। अगर ठीक होता भी हो तो उसके बारे में कोई साइंटिफिक पुष्टि नहीं है। और इस बात की अगर आप देखेंगे पिछले 3-4 सालों में बहुत से आर्टिकल्स ऐसे हैं, और कोविड के बाद जब जॉन्डिस की संख्या बढ़ी, ये रिसर्च के द्वारा प्रमाणित है कि बहुत सी आयुर्वेदिक और अल्टरनेटिव मेडिसिन ऐसे होते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें कि लिवर को ख़राब करने की क्षमता होती है, रिस्क होता है लिवर डैमेज का। तो इन सब चीज़ों को मत जाएं। प्रोटीन इंटेक के विषय में पहले जब मैंने बताया, उसमें प्रोटीन सप्लीमेंट्स ना लें, आप डाइट के ज़रिए प्रोटीन को बढ़ाएँ। और अगर खाना बहुत मुश्किल हो रहा है तो प्रोटीन सप्लीमेंट आप कौन सा ले सकते हैं, डॉक्टर से सलाह करके लें। तो लिवर सिरोसिस में जब भी हो तो ये डाइट के ज़रिए काफ़ी चीज़ों को, लिवर के कॉम्प्लिकेशंस को, और इनफैक्ट वेट कम करके, अल्कोहल से दूर रह के, अपनी डाइट को इम्प्रूव करके, प्रोटीन इंटेक, कैलोरीज इंटेक को मैनेज करके, और एनसेफ्लोपैथी ना हो इसके लिए काफ़ी हद तक डाइट को मैनेज करके हम लिवर की कॉम्प्लिकेशंस को रोक सकते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो अपनी फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स से आप शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।